नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से। मैं दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मावा पीठा या दूध पीठा, जो बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और खास रेसिपी है। ये चावल के आटे और दूध से तैयार की जाती है। इसमें हमने मावा की स्टफिंग तैयार की है और इसे सर्दियों में खास तौर पे बनाया जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मावा पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का आटा लगाकर तैयार करते हैं। इसके लिए सिंपल सा मेजरमेंट है, जिस कप या कटोरी से आप चावल का आटा मेजर करें उसी से पानी भी मेजर करेंगे। तो इससे मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया है और इसी से 2 कटोरी चावल का आटा डालेंगे। पहले पानी में थोड़ा बॉयल आने देते हैं, ढक देते हैं। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब घी, चावल का आटा ये 1 कटोरी, गैस बंद कर दिए हैं, और ये 2 कटोरी। मिक्स कर लें अच्छे से। अगर ज़रूरत लगेगी तो दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जितना चावल है उतना ही हम चावल का आटा है उतना ही पानी डालेंगे। इसको अच्छे से नीट करना है, पर अभी ये काफ़ी गर्म है तो ढक्कन लगा के इसे छोड़ देते हैं जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, और बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो हमें रसमलाई की तरह गाढ़ा एक दूध रबड़ी की तरह तैयार करना है। इसके लिए हम 1 लीटर दूध लेंगे। इसमें बॉयल आने देते हैं। दूध बॉयल हो रहा है, इस बीच हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसे हम दूध में भी डालेंगे और चावल के आटे की जो बॉल्स बनाएंगे उसके अंदर स्टफिंग करेंगे मावा की, तो उसमें भी डालेंगे। तो उसके लिए हम इसको कट कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हम लिए हैं बादाम, काजू, किशमिश और नारियल। दूध में बॉयल आ चुका है तो इसे एक बार चला लेते हैं और फ्लेम को धीमा कर देते हैं। नट्स को हम चॉप कर लिए हैं, तो इसका आधा हिस्सा हम इस दूध में, जो कि रबड़ी की तरह से बन रही है, गाढ़ा हो रहा है दूध, इसमें डाल देते हैं। किशमिश थोड़ा सा ही डालेंगे, साथ में डालें कुछ केसर के धागे, 2 चम्मच, ये बड़े चम्मच से चीनी, और इसे पकने देते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स में हम मावा की स्टफिंग तैयार करेंगे इसके साथ मिलाकर। तो इसमें मैंने डाल दी है 4-5 इलायची का पाउडर, 4-5 इलायची के दानों को क्रश कर लिया था। साथ में डाल रहे हैं ये 1 कटोरी मावा है, घर का ही तैयार किया हुआ। अगर बाजार का मावा ले रहे हो तो थोड़ा सा इसको भून लें कढ़ाई में 2-3 मिनट के करीब। इस मावे में मैंने चीनी पहले से मिला दी है, अगर चीनी नहीं मिलाया हुआ है तो आप 2-3 चम्मच इसमें चीनी मिला दें। मैंने ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बढ़ते हैं चावल के आटे की तरफ। तो ये चावल का आटा अब नीट करने लायक हो गया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और गूंद लेते हैं प्रॉपरली। तो चावल का आटे को अच्छे से मार लिया है, ये सॉफ्ट सा आटा तैयार हो गया है। हाथ साफ करके अब पीठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसे एक छोटा सा पेड़ा लें नींबू के बराबर का, हथेलियों के बीच ऐसे गोल करें और थोड़ा सा बीच में ऐसे फैलाएं इसको, कटोरी की शक्ल, छोटी सी कटोरी। इसमें भरेंगे ये मावे की स्टफिंग और इसे बंद कर दें, वापस से इसे रोल कर दें। ये तैयार है, बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ये बॉल्स हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। काफ़ी कुछ खीर कदम के जैसे रहती हैं, जिसमें ऊपर खोया और अंदर छेना रहता है, वैसे ही इसमें ऊपर चावल का आटा और अंदर खोया है। तो ये 2 कटोरी से 17 बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। दूध को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और लगभग 2/3 दूध बचा है। अब इसमें इन बॉल्स को डाल देते हैं। ओवर क्राउड नहीं करना है, अगर ज़्यादा होंगी तो हम 2 बार में कर लेंगे या 3 बार में कर लेंगे। डालकर देखते हैं ये आ जाएंगे। फ्लेम को हाई रखें और बॉयल आने दें, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, थोड़ा सा ऐसे हिला लें और फिर बॉयल आने दें। इलायची हमने अभी नहीं डाली है तो इलायची डाल लेते हैं। 5-6 इलायची को के दाने निकाल के क्रश करके डाल दिया। बॉयल आना शुरू हो गया है तो फ्लेम लो कर देते हैं।
ढक दें और थोड़ा केयरफुल रहें ताकि दूध बाहर ना आ जाए। तो चावल के आटे के इन बॉल्स को पकते हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अब। और ये देखिए कैसे गोल गोल बने हैं, बिल्कुल रसगुल्ले जैसे। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मावा पीठा या दूध पीठा बनकर तैयार है। आप भी इन सर्दियों में इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए।